नमस्कार, जन भावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। पूरे देश की नज़र टिकी है देश की राजधानी में। हनुमान जयंती के दिन हुई यहाँ पर हिंसा जो बहुत चर्चित हो गई है। जहांगीरपुरी हिंसा में एक तरफ कई आरोपियों को पुलिस ने चिन्हित करके उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, वहीं अब एक और वीडियो सामने आया है जो कई कहानियाँ बयान कर रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा से एक रात पहले का 3 मिनट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें कुछ लड़के लाठी डंडा लिए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस लगभग 200 वीडियो खंगाल चुकी है जिनसे एक एक करके कई जानकारियां सामने आई हैं। अब जहांगीरपुरी हिंसा से एक रात पहले का वीडियो सामने आया है जिससे उन कयासों को बल मिला है कि हिंसा को लेकर तैयारी पहले से की गई थी। इस सीसीटीवी फुटेज में कुछ युवक डंडे लिए नजर आ रहे हैं। ये लोग जिस सड़क पर खड़े दिख रहे हैं इसी रास्ते से कुछ घंटे बाद शोभा यात्रा को निकलना था। इस वायरल वीडियो में 6 लड़के दिख रहे हैं। कुछ देर के बाद बनियान पहने 3 और दूसरे लोग वहां पर आ जाते हैं। एक लड़के के हाथ में बोतल या पत्थर और बनियान पहने एक दूसरे शख्स के हाथ में तलवार जैसी चीज नजर आ रही है। ये छत पर मौजूद किसी शख्स से बातचीत करते नजर आ रहे हैं और उनको धमकी देते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो 15 अप्रैल की आधी रात का बताया जा रहा है। दूसरे दिन 16 अप्रैल की शाम को करीब 6 बजे जहांगीरपुरी में हिंसा की वारदात हुई थी। यह सीसीटीवी फुटेज रात 2 बजे का है। सफ़ेद, लाल, नीले, काले टी शर्ट पहने ये लड़के डंडे ढूंढते दिखाई दे रहे। इस वीडियो को देखने के बाद घटना के दिन अचानक भीड़ जुटने और उनके हाथों में लाठी डंडे और तलवार होने के कनेक्शन को समझा जा सकता है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के रिपोर्ट में अभी तक ये बात सामने आई है कि इस हिंसा के पीछे पूरी साजिश पहले से रच ली गई थी। जिस तरह से घरों की छतों से पत्थर और बोतलें शोभा यात्रा के दौरान फेंकी गई उससे ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले से तैयारी थी। पुलिस अब इस वीडियो को भी गहनता से जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि पुलिस अब इस बात की पड़ताल करेगी कि जो लोग वीडियो में नजर आ रहे हैं क्यों वे लोग हिंसा में, क्या वो लोग हिंसा में शामिल थे। पुलिस अब अंसार, असलम और सोनू चिकना जैसे मुख्य आरोपियों को ये वीडियो दिखाकर जहांगीरपुरी हिंसा की बाकी की कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश भी करने वाली है। बताया जा रहा है कि जब आधी रात को ये लड़के डंडे लेकर इकट्ठे हुए थे तो स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और उनसे लड़कों की कहासुनी हो गई थी। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस अब स्थानीय लोगों से पूछताछ करके उनका बयान भी दर्ज करने वाली है। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों को चिन्हित करके उनसे पूछताछ की तैयारी करने की कोशिश में भी है। हम बताना चाहेंगे कि पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। 4 मुकदमे दर्ज करने के साथ ही हर एंगल से जांच चल रही है। पुलिस भी किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं कर रही है। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे कौन लोग थे, उनकी मंशा क्या थी, दिल्ली पुलिस लगातार इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।